तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख लिया कि आज किस बारे में बात करने वाले, तो आज बात करने वाले कि आपको मल्टीप्लेयर कैसे खेलना है, वो भी बिना नेट के या डेटा का यूज किए। ठीक है, आपका डेटा मतलब कि डेटा या नेट को आपको यूज किए बिना आपको मल्टीप्लेयर आपके दोस्त के साथ कैसे खेलना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अगर आजू बाजू ही रहते हैं, हम दोस्त किसी एक सोसाइटी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास नेट नहीं होता और नेट से हमें खेलना नहीं, मतलब कि खेलना ही नहीं है। तो आपको कैसे खेलना है मतलब कि बिना नेट के मल्टीप्लेयर, वो भी ठीक है। अगर दूर रहते हो तो आपको नेट का इस्तेमाल करके ही खेल पाओगे, पर अगर पास रहते हो तो बिना नेट के भी आप खेल पा सकते हो। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, 10 सेकंड का भी स्किप मत करना, आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं जो स्टेप दिखाने वाला हूँ आपको कम्प्लीटली करने। और ये वीडियो बनाने में मुझे इतनी परेशानी हुई, मतलब कि एक फ़ोन का सेट नहीं हो रहा था तो दूसरा का गलत हो जाता था। तो यार इस वीडियो को लाइक तो मारे बिना मत जाना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए लाल बटन को भी जरूर से दबाएं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पे दो स्क्रीन आ गई फोन की। मान लो कि ये वाला मेरा है और ये वाला जो दूसरा वाला है गाड़ी वाला, तो ये आपका फोन है। ठीक है, अगर मैं अपने फोन में वर्ड बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। तो मैं अपने फोन में वर्ड बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं वाईफाई को ऑन कर दूंगा। ये ध्यान से सुनना, मैं अपना वर्ड बनाने वाला हूँ, इसलिए मेरे फोन में यहाँ पे आपको वाईफाई ऑन करना है। और आपको जिस फोन के साथ आपको खेलना है उस, या मतलब कि आपके फोन के अंदर ये वाला है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको वहाँ का हॉटस्पॉट ऑन करना है और इस हॉटस्पॉट को आपको कनेक्ट कर लेना है। मैं फटाफट से इस हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ से मैं इस हॉटस्पॉट को यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अंदर जाके कर लेता हूँ तो फटाफट से हो जाएगा। तो ये देखो कनेक्ट हो गया। तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको माइनक्राफ्ट को ओपन कर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको माइनक्राफ्ट को ओपन, तो ये देख लो पहला कनेक्ट तो अब हो, मतलब कि अब नोटिफिकेशन आया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं माइनक्राफ्ट को फटाफट से ओपन कर देता हूँ। वैसे ही आपको इस वाले मोबाइल में भी, मतलब कि आपके फ़ोन में ही आपको ये कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला मेरा है और ये वाला आपका है, तो ये भूल मत जाना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ला देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी स्क्रीन ऐसी आए, मैं अपनी स्क्रीन है तो गाइज वो वही लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए ये हो गई सेट। तो अब क्या करना है, ये मेले वाला फ़ोन है, मतलब कि मुझे वर्ड बनाना है, इसलिए यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। आपको ध्यान से सुनना सब कुछ, यार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो यहाँ पे उस पर जाना, फिर यहाँ से आप क्रिएट न्यू वर्ड भी बना सकते हो, और आप चाहते हो कि आपका पुराना वर्ल्ड है और उसमें इन्वाइट करना चाहते हो फ्रेंड को, तो उसमें भी जाके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ, तो यहाँ से क्रिएट न्यू करने के बाद आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, या पुराना वर्ल्ड है उसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना। आपको सर्वर तो सर्वर वर्ल्ड ही रखना है, मल्टीप्लेयर या कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो आपका वर्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा ही वाईफाई चल रहा है, मतलब कि उसका हॉटस्पॉट मैंने कनेक्ट किया है, वो भी उसके अंदर बिना वाईफाई के, मतलब कि उसके अंदर या वाईफाई नहीं, यार उसने डेटा ऑन नहीं किए और मैंने सिर्फ उसका हॉटस्पॉट ही कनेक्ट किया है वाईफाई के जरिए, जैसे कि हम जेंडर से करते थे, सिंपल वैसा ही इसके अंदर किया है। और यहाँ पे मेरा 3GB रैम है, तो थोड़ी देर लगेगी क्योंकि लोडिंग लेने में वर्ड को, और इस वर्ड को आपको कम्प्लीटली जनरेट हो जाने देना है। यहाँ पर लोडिंग हो गया, मतलब कि आपका वर्ड भी जनरेट हो जाने को आया है। यहाँ से लोडिंग खत्म होते ही हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए लेट्स गो एंड ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपके फ्रेंड को कुछ भी इन्वाइट नहीं करना, आपको इस फोन में सिर्फ अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही प्लेस पर यहाँ पे खड़े रहना है, और आपका अगर दोस्त स्वैप हो जाए तब ही आपको यहाँ से मूव होना है, तो आपका दोस्त भी यही स्वैप होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करते हैं, हम दूसरे फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं, वहाँ पर जो बैकग्राउंड पर जो स्क्रीन चल रही थी दूसरी, जो कि मेरा फ़ोन है, उसको मैं हटा देता हूँ, और अपने पापा का जो फ़ोन है ये वाला, तो उसके अंदर मैं आ जाता हूँ। अब क्या करना है, अब यहाँ से आप प्ले पर क्लिक करो, तो आपको फ्रेंड में जाने के बाद आपको क्या होगा कि आपका फ्रेंड ऑनलाइन दिखाएगा, और फिर उसके अंदर क्लिक करके आपको उसके अंदर चले जाना है। पर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए डेक्स्टर, यहाँ पे जो कि मेरा उस फोन की आईडी थी ये वाली यहाँ पे है। अगर आपके अंदर ये आईडी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपने एक भी बार अपने दोस्त को ऐड नहीं किया है अपने फ्रेंड लिस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से यहाँ पे ऐड फ्रेंड दिख रहा है गाइस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड जो दिखा है ना, ऐड फ्रेंड, उस पर आपको क्लिक करना है, और फिर जो कि अभी आईडी आपने नीचे देखी ना, वो आईडी का सेम टू सेम कैपिटल या स्मॉल कुछ भी चेंज किए बिना यहाँ पे डाल देनी, और फिर यहाँ से नीचे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, तो वो फ्रेंड आपके अंदर हो जाएगा। और यही प्रोसेस फिर से आपको उसी फोन में ऐड फ्रेंड करके
यही प्रोसेस करनी है आपको। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे इस फोन का जो आप कर रहे हो उसका आपको आईडी डालना है, तो आपके अंदर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा मैंने आगे दिखाया था। ठीक है, तो अब मैं दिखा दो क्या करना है, आपको प्ले पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से फ्रेंड्स में जाना है और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आए ना आपके सामने ग्रीन, मतलब कि वो खेल रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है और ऐसा आएगा आपके सामने मस्ट कनेक्ट वाईफाई टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है कि अब हमारा जो उस फोन का जो वाईफाई था ना, उस फोन में हमने कनेक्ट करके रखा था वाईफाई हमारा हॉटस्पॉट करके, तो अब उसका उल्टा कर देना है, आपको एक्सचेंज कर देना है, मतलब कि उस फोन के अंदर आपको हॉटस्पॉट करना है और इस फोन के अंदर आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ और जो मेरा दूसरा वाला फोन था उसके अंदर मैं वाईफाई क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी कनेक्ट हो जाने देना है, फिर आपको मतलब कि दिखा दो कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत दिमाग यार, मतलब कि दिमाग की दही हो गई। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाने के बाद और आप अगर क्लिक करोगे ना गाइस, यहाँ पे देख लीजिए कोकी कनेक्ट, यहाँ पे वन डिवाइस लिखा रहा है। तो अगर आप ऐसा करने के बाद अगर आप यहाँ से फिर से अपने दोस्त की आईडी पर क्लिक करोगे जैसा ग्रीन मार्क दिखा रहा था, तो आपके अंदर वर्ड जनरेट हो जाएगा और आप उसके वर्ड में पहुंच जाओगे। ये मतलब कि बिना वाईफाई के खेलों में, मतलब वाईफाई तो यूज़ होगा पर बिना इंटरनेट के, यहाँ पे मैं कोई भी इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहा। और यहाँ पे देख लीजिए ज्वाइन हो गया मैं इस वर्ड में, तो यहाँ पे देखो ये मेरी स्किन क्यों नहीं दिखा रही, मतलब कि मेरी स्किन नहीं दिखा रही थी उस वक्त, पता नहीं था, मतलब कि मेरे अंदर तो दिखा रही थी, उसके फ़ोन में से नहीं दिखा रही, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए हम मतलब कि मल्टीप्लेयर खेल रहे, अभी यहाँ पे मेरा दोस्त आ गया, मतलब कि मैं ही हूँ, तो यहाँ पे देखो हम अपने आप को मार भी सकते हो और यहाँ पे अपना वर्ड क्रिएट कर भी सकते हो। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हो। अगर साथ में रहते हो तो आपको नेट की क्या ज़रूरत है, आपको ऐसे भी खेल सकते हो बिना नेट के। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर से लिख देना और आपके दोस्तों के साथ भी मतलब कि शेयर करना, तो आपके दोस्त आपके आसपास ही रहते हैं तो ये वीडियो देखकर आप भी कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर से लिखना और आप हमारे चैनल को पहली बार जी लाल बटन को भी जरूर से दबाना और इस वीडियो पे 100 लाइक का एम रख दे। ठीक है, तो इस वीडियो को 100 लाइक का एम तो कंप्लीट कर ही देना, छोटा सा एम है। और अभी तक नीचे रखना मतलब कि बेल आइकन को नहीं दबाया है, अभी आई थी मेरे मतलब कि हमारे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।